चलिए आज हम लोग देखेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 में जो दिसंबर माह में होने वाला है, साइंस का सेट वन है जो कि 1.5 घंटा टाइम है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है और फुल मार्क्स 40 है और सभी प्रश्न अनिवार्य है और कोई भी उत्तर गलत होने से माइनस मार्किंग नहीं है। तो चलिए एक एक करके प्रश्न को देखते जाइए और आंसर इसका क्या होगा देखिए। पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए में है समतल, बी में है उत्तल, सी में अवतल, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। ए में है आर बराबर एफ बटा टू, बी में है एफ बराबर आर बटा टू, सी में है आर बराबर एफ, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एफ बराबर क्या होता है? आर बटा दो। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? ए में आवृत्ति, बी में वेग, सी में तरंग दैर्ध्य, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवृत्ति। चौथा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु पर से होकर गुजरेगी? ए में है सी, बी में एफ, सी में पी, डी में सी और एफ के बीच। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एफ, यानी कि फोकस से गुजरेगा। पांचवा क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा? ए में उत्तल, बी में अवतल, सी में समतल, डी में समतल तथा उत्तल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समतल हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ए में है एक, बी में है दो, सी में तीन, डी में चार। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो। सातवां क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो इसका क्या होगा? आधा हो जाएगा, है ना। एफ बराबर क्या होता है? आर बटा टू। तो आर क्या है? त्रिज्या 50 है तो 50 को 2 से भाग दे देंगे तो 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन हो गया। अब आठवां में देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 डायोप्टर। नौ नंबर में, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है तो उत्तल लेंस में क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, इसमें क्या? जल में होता है प्रकाश का न्यूनतम वेग। 11 नंबर में है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, सी में है 30 सेंटीमीटर, डी में 40 सेंटीमीटर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायोप्टर। उत्तल में पॉजिटिव होता है ना। 13 नंबर का है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा तो निर्वात में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। 15 नंबर का क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? ए में है ऑक्सीजन, बी में नाइट्रोजन, सी में हाइड्रोजन, डी में कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। 16 नंबर का क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया।
17 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन मतलब क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना, तो किसमें जुड़ रहा है ऑक्सीजन? CO, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर में दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है ना, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये संतुलित है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? देखिए दिया हुआ यहाँ समीकरण है, समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, यह हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो गंधीय में क्या हो जाएगा? प्याज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर का क्वेश्चन है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? ए में है CaOCl2, बी में है CaOH2, सी में है CaCO3, डी में है CaSO4 हाफ H2O। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CaSO4 हाफ H2O, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। इसका 22 का क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaOCl2। 23 नंबर का क्वेश्चन है, दिए इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है ना, तो देखिए चित्र दिया है, इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? तो विद्युत अपघटन का वियोजन हो रहा है ना, एनोड कैथोड है, तो इसमें क्या वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर में है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए में है एसिटिक अम्ल, बी में सिट्रिक अम्ल, सी में लैक्टिक अम्ल, डी में ऑक्सैलिक अम्ल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सैलिक अम्ल। 25 में है, तनुकरण प्रक्रिया में होती है, तनु मतलब कम मात्रा में, तनुकरण प्रक्रिया, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 नंबर में, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाशीय वियोजन का है AgBr ना, ये टूटने के बाद क्या बनता है? Ag+Br बनता है। 27 नंबर है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? ए में मुँह, बी में केंद्रक, सी में कुटपाद, डी में खाद्य रिक्तिका। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुटपाद। 28 नंबर में, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पित्त करता है। 29 नंबर में है, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? स्वपोषी पोषण जीव बोल रहा है तो इसमें हो जाएगा आम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर का क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 होते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल को कहा जाता है। 32 का है, अब उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका सी हो जाएगा, ब्रिक्यानु को नेफ्रॉन भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 33 नंबर है, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको अपोहन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 है, जनन की मूल घटना क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीएनए की प्रतिकृति बनना।
35 में है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? ये बहुखंडन को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 में है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ए में है निषेचन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निषेचन। 37 नंबर में है, लड़कों में यौनावस्था के लक्षण का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। 38 का क्वेश्चन है, सोर्स स्थिरांक का मान क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.4 kW पर मीटर स्क्वायर किलोमीटर वर्ग। इसके बाद 39 का हो जाएगा, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीथेन। 40 में है, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का नंबर, इसका ए हो जाएगा